हेलो स्टूडेंट, सो वेरी वेलकम अगेन। सो आज का टॉपिक है बाउंडेड सीक्वेंस। देखो, पहली बात, सीक्वेंस तो पता है क्या होती है, S1, S2, S3, S4। नाउ इट्स अ बाउंडेड। व्हाट इवन द बाउंडेड? देखो, फर्स्ट ईयर बीएससी में आपने बाउंडेड की डेफिनेशन सीखी थी। व्हाट इवन द बाउंडेड, देखो आपने ये देखा होगा ना, GLB, देन ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड, ये देखा होगा ना, अपर बाउंड, लोअर बाउंड। अपर बाउंड, लोअर बाउंड, देखो सॉरी, यस, ये कोई तो एक नंबर लाइन है, ये है S1, S2, S3, S4, S5, ये कोई तो एक सीक्वेंस है, ओके? अब ये वाली सीक्वेंस के सारे टर्म्स किसी नंबर से, लेट से Sn, एंड n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, ये किसी नंबर से छोटे है या इक्वल है, तो इसे कहते हैं लिस्ट अपर बाउंड। इसे क्या कहते हैं? लिस्ट अपर बाउंड। इस m को क्या कहते हैं? लिस्ट अपर बाउंड। ये आपने सीखा होगा, मतलब ये सारे टर्म्स किसी एक नंबर m से एक तो छोटे हैं या उसके इक्वल है। और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मतलब क्या? ये जो सीक्वेंस है वो किसी एक नंबर से बड़ी है, उसके सारे टर्म्स किसी एक नंबर से एक तो इक्वल है या बड़े है, मतलब वो यहां पे कहीं तो होगा। हाँ, अगर ये दोनों सिचुएशन को कंबाइन की जाए, सो एन इज लेस और इक्वल टू Sn, लेस और इक्वल टू m, अगर कोई सीक्वेंस इन दोनों चक्कर में फंस जाती है तो उसे कहते हैं बाउंडेड सीक्वेंस। ठीक है, मतलब उसे एक अपर बाउंड भी होना चाहिए, एक लोअर बाउंड भी होना चाहिए, तब जाके उस सीक्वेंस को कहा जाता है बाउंडेड सीक्वेंस। जैसे अगर 1, 2, 3, 4 है, ये सीक्वेंस क्या है? ये कोई तो एक सीक्वेंस है, बस इसके अंदर चार ही टर्म है। तो यहां पे देखो, अगर m की वैल्यू में 5 ले लूं तो ये 5 से सारे टर्म्स छोटे हैं, यस, और n की वैल्यू में 0 ले लूं, n इज इक्वल टू 0, तो ये 0 से सारे टर्म बड़े, सो दिस सीक्वेंस इज अ बाउंडेड इन बिटवीन 0 एंड 5, ओके, गॉट इट? सो बाउंडेड सीक्वेंस। सो यहां पे थोड़ा एक्सप्लेनेशन आपके टेक्स्ट बुक के माध्यम से, वी से दैट सीक्वेंस Sn इज बाउंडेड अबो। बाउंडेड अबो मतलब क्या? वो जो सीक्वेंस Sn है वो किसी नंबर से छोटी होनी चाहिए या उसके इक्वल होनी चाहिए, एंड इस सीक्वेंस इज बाउंडेड बिलो, वो सीक्वेंस किसी नंबर से बड़ी होनी चाहिए, सारे टर्म्स एक तो बड़े होने चाहिए या इक्वल होने चाहिए। अगर ऐसा हो तो उसे कहते हैं बाउंडेड, मतलब वो सीक्वेंस बाउंडेड अबो भी होनी चाहिए, बाउंडेड बिलो भी होनी चाहिए, तब जाके उसे क्या कहते हैं? इट्स अ बाउंडेड सीक्वेंस। उसकी डेफिनेशन है मॉड Sn लेस देन इक्वल टू m, दैट इज नेगेटिव वन, माइनस m लेस और इक्वल टू Sn लेस और इक्वल टू m, गॉट इट? लाइक दिस, ठीक है, ये होती है उसकी डेफिनेशन। सो हियर वन थ्योरम, इफ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इज कॉन्वर्जेंट देन इट इज बाउंडेड। देखो ये मतलब बहुत बड़ा पार्ट है मेरे लाइफ का ये थ्योरम, मतलब सीक्वेंस अगर कॉन्वर्जेंट है तो बाउंडेड होती है। हाँ, मैं जब TY में था तब मैं बहुत फॉर्म में सुबह उठ के एक दिन करने बैठ गया, वो गोल्डबर्ग की टेक्स्ट बुक लेके, तो वो भी 3 बजे, कि बाबा चलो आज पढ़ाई करके देखते हैं। फिर मैंने यही एक्सरसाइज खोली, मैंने वहां पे पढ़ा अगर कॉन्वर्जेंट है तो बाउंडेड होती है। क्या है? अगर सीक्वेंस कॉन्वर्जेंट है तो बाउंडेड है। इसका कॉन्वर्स ट्रू नहीं है, मतलब बाउंडेड सीक्वेंस कॉन्वर्जेंट होती है नीड नॉट नेसेसरी, उसका मैं बताऊंगा। तो मैंने सारे सम सॉल्व कर लिए, बाउंडेड है, मैंने सारी सीक्वेंस बाउंडेड घोषित कर दी और उसको कॉन्वर्जेंट दिखाने लग गया, मतलब उल्टा किया मैंने, कॉन्वर्स भी ट्रू कर दिया। और बहुत फॉर्म में मैंने ये नोटबुक मेरे टीचर को दिखाई कि सर ये देखो आज मैंने बहुत पढ़ाई की। बोले दिखा क्या पढ़ाई की, वैसे तो मैं बहुत पुअर स्टूडेंट था इन टर्म्स ऑफ ग्रेजुएशन। तो जाके सर को भी शॉक लगा, भाई इसने क्या किया। तो सर ने देखा, इतने जोर जोर से हंसे और मेरे मुंह पे नोटबुक फेंक के मारी, मतलब लिटरली मेरे नाक को बहुत जोर से लगा। बोले यार क्या हो गया? बोले यार भाग जाए यहाँ से, TY छोड़ दे। बोले क्यों? अरे यार तूने तो हिस्ट्री क्रिएट कर दी। फिर सर ने मेरे को बिठा के 1.5 घंटा बैठ के पढ़ाया कि अरे बाबा ये ऐसा नहीं होता। फिर मेरे दिमाग में बत्ती वैसे चमकी, अरे हाँ, तो ये जो स्टेटमेंट है ना, मतलब मेरी याददाश्त भी चले जाए ना तभी ये स्टेटमेंट मेरे को ना ऐसे याद रहेगा कि अरे हाँ तेरे साथ कुछ तो हुआ था उस दिन। ओके, तो पूरे TY में मैंने एक ही बार खुद से कुछ तो ट्राई किया था, वो था ये थ्योरम और उसके एग्जाम्पल, थ्योरम का स्टेटमेंट लेके एग्जाम्पल मैंने सॉल्व किए थे। ठीक है, तो काफी मतलब एक अपनापन इस थ्योरम के स्टेटमेंट से मुझे, ठीक
ठीक है, आई जस्ट शेयर माय लाइफ पार्ट विथ यू, आई एम सॉरी। हाँ, लेट्स सी, इफ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इज कॉन्वर्जेंट देन एस एन इज बाउंडेड। हाँ, कॉन्वर्स ट्रू नहीं होता, वो मैं बताऊंगा क्यों, पहले प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ, सपोज लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट एस एन इज इक्वल टू एल, क्योंकि एस एन कॉन्वर्जेंट बोलिए ना, फॉर एप्सिलॉन इज इक्वल टू वन देर एग्जिस्ट एन बिलोंग्स टू आई सच दैट, लिमिट की डेफिनेशन क्या हो जाती है, एस एन माइनस एल लेस देन वन। देखो अगर सीक्वेंस कॉन्वर्जेंट है तो उसका लिमिट एग्जिस्ट होगा इन दैट वे, ओके। सो नाउ मॉड की डेफिनेशन क्या कहती है, ये हो जाएगा माइनस वन लेस देन एस एन माइनस एल लेस देन वन, एल को भी गायब कर दो तो क्या हो जाएगा, माइनस एल है ना, सब जगह एल ऐड कर दो, सो इट विल बिकम एस एन, ये हो जाएगा एल प्लस वन। अब एल माइनस वन को मैं कह देता हूं एन, ठीक है, या यू से कुछ भी, देखो ये बाउंडेड आ गई ना, मतलब एस एन एल माइनस वन से बड़ी है और एल प्लस वन से छोटी है, इंप्लाइज एस एन इज बाउंडेड, एस एन इज बाउंडेड। अब देखो क्या होता है, इसका कॉन्वर्स ट्रू नहीं होता, अरे दिखाना बहुत इजी है, इसका कॉन्वर्स ट्रू नहीं होता, क्यों, मतलब क्या कॉन्वर्स क्या आएगा, बाउंडेड सीक्वेंस शोज द कॉन्वर्जेंस। अगर मैंने एक सीक्वेंस ली माइनस वन रेस टू एन, अब देखो इसके टर्म्स क्या आएंगे, माइनस वन वन माइनस वन वन माइनस वन वन, ऐसे कुछ तो आएंगे ना, ओके। अब देखो ये बाउंडेड है ना, मतलब इसकी सबसे छोटी टर्म माइनस वन है, सबसे बड़ी टर्म वन है, तो इसके बीच में खेल रही है, लेकिन क्या ये कॉन्वर्जेंट है, नहीं, क्योंकि ये ऑसिलेटिंग सीक्वेंस है, ये माइनस वन को भी कॉन्वर्जेंट होती है, वन को भी कॉन्वर्जेंट होती है, ठीक है, इज अ जस्टिफिकेशन फॉर माई स्टेटमेंट। याद रखना ये एग्जाम में आया था, या एग्जाम में ये आया था कि एवरी कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, हाँ, ट्रू दैट एवरी कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड बट कॉन्वर्स इज नॉट ट्रू, जस्टिफाई ऐसे आया था। तो जस्टिफाई जब वर्ड आता है तो वहां पे आपको थ्योरी नहीं लिखनी होती, वहां पे आपको एग्जाम्पल देके उसके मुंह पे चिपकाना होता है कि ले भाई निकल। नाउ एक्सरसाइज 2.5, ट्रू और फॉल्स फॉर द वन मार्क क्वेश्चन, इस बार पैटर्न चेंज हुआ है ना आपका, वन मार्क। इफ सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव नंबर इज नॉट बाउंडेड देन सीक्वेंस डाइवर्जेंट टू इनफाइनाइट। बाप रे, कोई पॉजिटिव नंबर की सीक्वेंस है जो बाउंडेड नहीं है, खेल रही यहां वहां, तो वो सीक्वेंस माइनस प्लस इनफाइनाइट को डाइवर्ज होगी, ठीक है। पहली बात, दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट, क्यों वो भी मैं बता दूंगा, दिस इज फॉल्स। सबसे पहले आपको लिखना होता है ट्रू है या फॉल्स है, बाद में उसके बारे में कहना होता है, जस्टिफिकेशन नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी, स्पेलिंग गलत हो जाएंगी बट डोंट वरी, दैट द सीक्वेंस डाइवर्जेस टू इनफाइनाइट। कैसे, देखो एक सीक्वेंस लेता हूं मैं, जस्ट जस्टिफिकेशन, माइनस वन वन टू थ्री फोर एट वन वन थ्री, इतनी सीक्वेंस है, इतनी सीक्वेंस नहीं है, ऐसे कुछ तो है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ओ ये पॉजिटिव वन आएगा, आई एम सॉरी पॉजिटिव नंबर ना, क्या ये सीक्वेंस इनफाइनाइट को टच कर रही है, नहीं, हमें भी पता नहीं है कि कहाँ जा रही है, सो इज नॉट गोज टू इनफाइनाइट एज एन टेंस टू इनफाइनाइट, ठीक है, इज नॉट गोज टू इनफाइनाइट। सो दिस, ये तो बाउंडेड है, मतलब कोई नंबर वन है, कोई नंबर बड़ा है, एज सो ऑन एंड सो ऑन, तो पता नहीं ये कहा जाएगी बट इनफाइनाइट को नहीं जाएगी, दिस इज द जस्टिफिकेशन। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ सीक्वेंस विच इज नॉट बाउंडेड बट अगर मैंने उसको एन से डिवाइड कर दिया तो उसका लिमिट आता है जीरो। सो यहां पे एक सीक्वेंस ले लेता हूं मैं, लेट से एग्जाम्पल एस एन इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर टैन एक्स, e रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर टैन एक्स। अब देखो ये बाउंडेड नहीं है, पहली बात, टैन एक्स कभी बाउंडेड होता है क्या, नहीं, पहली बात कैसे, देखो टैन का ग्राफ ही ऐसे आता है तो दिस गोज टू इनफाइनाइट, ये बाउंडेड नहीं है, टैन एक्स का ग्राफ कैसे आता है, इनफाइनाइट, तो दिस इज अ सीक्वेंस एस एन। हाँ, अब आप बोलोगे यहाँ पे एन की वैल्यू का है, एन भी चाहिए, नीड नॉट नेसेसरी, दिस इज अ कॉन्स्टेंट सीक्वेंस, ओके, आई डोंट नो कहाँ जा रही है पता नहीं। अगर मैं अब इसका लिमिट ले लूँ, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट एस एन डिवाइडेड बाई एन, ठीक है, तो मतलब क्या हो जाएगा, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर टैन एक्स अपॉन एन, अब एज एन टेंस टू इनफाइनाइट इट गोज टू जीरो, वन अपॉन इनफाइनाइट इज जीरो, बात खत्म। अब आप ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर को निकाल भी सकते हो, मतलब
एस एन की वैल्यू टेन एक्स भी ले सकते हो, ठीक है, विच इज नॉट बाउंडेड, बट वो सिक्वेंस है विच इज नॉट बाउंडेड, बट अगर मैं उसको एन से डिवाइड करूं तो आंसर क्या आ रहा है, जीरो. नाउ प्रूव दैट अगर एन टेंस टू इनफाइनाइट एस एन अपॉन एन, इसका कुछ तो आंसर आ रहा है, इज एल बट नॉट इक्वल टू जीरो, देन एस एन इज नॉट बाउंडेड, देन एस एन इज नॉट बाउंडेड. पहली बात, द सीक्वेंस एस एन अपॉन एन, एन इज इक्वल टू वन टू इनफाइनाइट इज कॉन्वर्जेंट. क्यों? क्योंकि उसका लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है एल, भले वो कुछ भी रहे आई डोंट केयर, इज कॉन्वर्जेंट. एंड लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट एस एन अपॉन एन इज इक्वल टू एल विच इज नॉट इक्वल टू जीरो, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है. अब लिमिट एन टेंस टू, हमें क्या दिखाना है, एस एन इज नॉट बाउंडेड, ठीक है, एन टेंस टू इनफाइनाइट एस एन, इसको अगर मैंने एन से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा, एन इंटू एस एन अपॉन एन, लिमिट सेपरेट कर दो, सो लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट एन, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट एस एन बाय एन. अब एस एन बाय एन का लिमिट क्या आता है, एल, सो लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट एन इंटू एल, सो एन एज एन टेंस टू इनफाइनाइट एंटायर गोज टू इनफाइनाइट. देयरफॉर अगर मैंने सिंपली ये ले लिया तो उसका लिमिट क्या आता है, इनफाइनाइट. देयरफॉर दिस सीक्वेंस इज नॉट बाउंडेड, दिस सीक्वेंस इज नॉट बाउंडेड, क्योंकि आपको पता है अगर सीक्वेंस कॉन्वर्जेंट हो तो अपने आप बाउंडेड हो जाती है, बट उसका लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं हो रहा है, बात खत्म. एक मार्क का सवाल है. नाउ द क्वेश्चन नंबर फोर, एक सीक्वेंस है एस एन जो बाउंडेड है, एस एन इज अ बाउंडेड सीक्वेंस एंड टी एन कॉन्वर्जेंट टू जीरो, देन हमें दिखाना है कि एस एन इंटू टी एन कॉन्वर्जेंट टू जीरो. मतलब देखो वेरी क्लियर, एस एन बाउंडेड है, टी एन कॉन्वर्जेंट टू जीरो है, तो उनका प्रोडक्ट जो है वो जीरो को कॉन्वर्जेंट होगा, वो जीरो को कॉन्वर्जेंट होगा. अब कैसे, देखो नाउ आंसर, फॉर एप्साइलॉन ग्रेटर देन जीरो वी नो दैट द सीक्वेंस एस एन एज एन इज इक्वल टू वन टू इनफाइनाइट इज बाउंडेड, इट्स बाउंडेड, इंप्लाइज बाउंडेड का मतलब क्या होता है, लेस और इक्वल टू एम, अगर एम ग्रेटर देन जीरो कॉल्ड एज इक्वेशन नंबर वन. अब एक चीज और भी है, वी नो दैट टी एन, एन इज इक्वल टू वन टू इनफाइनाइट कॉन्वर्जेस टू जीरो, ठीक है, देयरफॉर क्या लिखूं मैं, डायरेक्ट लिख देता हूं, देयरफॉर मॉड टी एन लेस देन एप्सिलॉन बाय एम, कॉन्वर्जेंट है ना, एवरी कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, सो मैंने यहां पे एप्सिलॉन बाय एम ले लिया, अगर एन ग्रेटर देन और इक्वल टू एम कॉल्ड एज इक्वेशन नंबर टू. हियर हियर एन बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड एन ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, देयरफॉर Therefore, अब हम एस एन डॉट टी एन लेंगे. अगर मैंने दोनों का प्रोडक्ट ले लिया, दोनों तो ले लिया, तो क्या हो जाएगा, एम इंटू एप्सिलॉन एम, तो एम एम कैंसल, मुझे मिलेगा एप्सिलॉन, देयरफॉर एस एन डॉट टी एन लेस देन एप्सिलॉन. क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एस एन डॉट टी एन माइनस जीरो लेस देन एप्सिलॉन, इसका मतलब क्या होता है बॉयज एंड गर्ल्स, इसका मतलब होता है, ये तो लिमिट की एग्जाम डेफिनेशन हो गई क्या, तो एस एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन हो गया, तो लिमिट एन टेंस टू इनफिनिट ओम नमः शिवाय जीरो से कॉन्वर्जेंट हो जाता है, सो देयरफॉर लिमिट एन टेंस टू इनफिनिट एस एन डॉट टी एन इज इक्वल टू जीरो, हो गया. इतने दिखाना था, कितना इजी था, ठीक है. तो स्टूडेंट सम्स ढंग से करके रखना. दूसरी बात, मैं जो लॉजिक बता रहा हूं, मैं आंसर नहीं बता रहा हूं, मैं लॉजिक बता रहा हूं, तो अपने अपने लॉजिक तैयार रखना कि हाँ ऐसे है ऐसे है. मैं बस एक आइडिया प्रपोज कर रहा हूँ कि आप इस तरह से कर सकते हो, जरूरी नहीं कि जो मैं बता रहा हूँ वो आपके दिमाग में जाए. क्या होता है, मैं 10 एग्जांपल पढ़ाऊँ, चार ही आपके दिमाग में जाए, छह ऐसे लगे अरे क्या ये, लेकिन आपको लॉजिक समझना पड़ेगा कि अरे हाँ ये लॉजिक है, ठीक है. हाँ आप अपने टाइप का भी प्रूफ बना सकते हो, कोई बात नहीं, बस उसके अंदर वैलिड होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए,
ऐसे नहीं कि हवा में फायर कर दिया। जो भी आप कुछ नया करोगे अपने सर को जरूर दिखाना, ठीक है। इससे क्या होता है, उनका एक्सपीरियंस आपके काम आता है कि नहीं बेटा तूने यहाँ पे गलत किया है, इस तरह से करेगा तो ये भी प्रूफ वैलिड हो सकता है, ठीक है। तो हमें हमारी कमजोरी पता चलती है और हम स्ट्रांग बनते जाते हैं। देखो TY में ही स्टडी करनी होती है, अगर आप TY में स्टडी नहीं करोगे और आप सपने देख रहे हो कि मैं MSc मैथ्स करूंगा, MPhil मैथ्स करूंगा, PhD मैथ्स करूंगा, खाक कुछ नहीं हो पाएगा। पढ़ाई TY में की जाती है, ये मैंने ठोकरे खा के सीखा है, क्योंकि मैंने MSc में पढ़ाई की, वो भी डबल, मतलब MSc की भी की, थर्ड ईयर की भी की, ठीक है। तो ये बात होती है, मतलब मेरे बाकी सारे दोस्त MSc की पढ़ाई कर रही थी लेकिन मैं TY की बुक्स लेके बैठा था, अरे हाँ ये यहाँ से आया, वो वहां से आया, क्योंकि MSc मतलब कोई बड़ी चीज नहीं होती, वो TY ही होता है, बस थोड़ा अपग्रेडेड TY होता है। लेकिन उसके लिए TY का तो आना जरूरी है ना। मेरे को ग्रुप भी पता नहीं था ढंग से, अबे ये ग्रुप क्या होता है, मेरे को लगा अपना ग्रुप हमारे गैंग। तो काफी दिक्कतों का सामना किया है मैंने, दैट्स व्हाई आप TY में ढंग से पढ़ना, MSc बहुत ईजी जाएगी, ठीक है। एटलीस्ट MSc के लिए तो पढ़ना, जिसको MSc नहीं करनी हो तो छोड़ ही दो, वो TY भी क्लियर कर ले बहुत बड़ी बात है, ठीक है। ढंग से पढ़ना, अच्छे से पढ़ना। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।